going to discuss about exercise 2.3 polynomials class 9. Question first. Find the remainder when this polynomial is divided by x plus 1. First part. x plus 1. हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाल के गिवन पॉलिनोमियल में पुट करनी है, ठीक है? जो भी पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा वही उसका रिमाइंडर होगा। तो हम यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? इसको इक्वल टू आप 0 पुट कीजिए, तो कॉन्स्टेंट नंबर उधर जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई? माइनस 1। इस माइनस 1 को आप गिवन पॉलिनोमियल में पुट कीजिए। गिवन पॉलिनोमियल क्या हमारे पास? पी एक्स इज एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। हमने x की जगह पर क्या पुट करना है? माइनस 1। हमें जहां जहां भी x दिखेगा हम वहां माइनस 1 पुट करेंगे। प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1। माइनस की ओड पावर क्या होगी? माइनस 1 का क्यूब 1 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई इज 1 प्लस 3। माइनस की इवन पावर इज प्लस 1 ऑफ स्क्वायर इज 1 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स इज 1। प्लस माइनस माइनस 3 बन जाए 3 प्लस 1। माइनस 1 प्लस 3 बन जाए 3 माइनस 3 प्लस 1। 1 से 1 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, आंसर इज 0। तो हियर रिमाइंडर इज 0। पार्ट सेकंड, x माइनस 1 बाय 2। यहां से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इक्वल टू 0। x इज 1 बाय 2। गिवन पॉलिनोमियल में x की जगह पर आपने क्या पुट करना है? 1 बाय 2। क्या पुट करेंगे? 1 बाय 2 पुट कीजिए। 1 बाय 2, 1 बाय 2 ऑफ 3 प्लस 3, 1 बाय 2 ऑफ स्क्वायर प्लस 3, 1 बाय 2 प्लस 1। 1 का क्यूब 1, क्यूब मीन्स 1 ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 3 टाइम्स, 2 ऑफ क्यूब इज 8, 2 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8 प्लस 3। 1 ऑफ स्क्वायर इज 1, 2 ऑफ स्क्वायर इज 4, 2 ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 इज 2, 2 जा 4 प्लस 3 बन जा 3, 2 प्लस 1। यहाँ आप क्या लिखोगे? 3 बन जा 3 बाय में 4। यहाँ से आपका क्या आया? 1 बाय 8 प्लस 3 बाय 4 प्लस 3 बाय 2 प्लस 1। 1 बाय 8, 3 बन जा 3 बाय 4 प्लस 3 बाय 2 प्लस 1। LCM of this is 8। 2 का 4 का और 8 का LCM क्या आएगा? 8। तो आप 8 लीजिए। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1। 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2। 2 3 जा 6। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4। 4 3 जा 12। 8 को 1 से डिवाइड करेंगे 8। 8 1 जा 8। कितना आया? 27 बाय 8। रिमाइंडर इज 27 बाय 8। क्या किया हमने? x की वैल्यू निकाली, x माइनस 1 बाय 2 इज 0, x इज 1 बाय 2। जहां भी हमें x लिखा 1 बाय 2 पुट किया, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 बन जा 3 बाय 2 प्लस 1, 3 बन जा 3 बाय 4, 8 एलसीएम लिया और सॉल्व किया। पार्ट थर्ड, थर्ड पार्ट में क्या है? एक्स ओनली। तो एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे हम? 0। जहां भी हमें पॉलिनोमियल में एक्स दिखता है वहां हमने 0 पुट करना है। क्या? पी जीरो इज 0 की क्यूब
प्लस थ्री जीरो का स्क्वायर प्लस थ्री जीरो प्लस वन, जीरो का क्यूब जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, थ्री जीरो जा जीरो वन, थ्री जीरो जा जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस वन इज वन, दिस अवर रिमाइंडर इज वन। ठीक है, एक्स था ओनली तो एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, जीरो। जहां भी हमें पॉलिनोमियल में एक्स दिखाई दिया वहां हमने जीरो पुट किया। जीरो की थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई जीरो, जीरो की टू टाइम्स मल्टीप्लाई जीरो, जीरो थ्री जा जीरो, जीरो थ्री जा जीरो वन, तो वन में हमने जीरो प्लस किया, आंसर क्या आएगा वन। पार्ट फोर्थ, एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज माइनस पाई, पाई को उधर ले जाएंगे साइन चेंज हो जाएगा। पॉलिनोमियल में हमें जहां भी एक्स दिखेगा वहां हम क्या पुट करेंगे, पाई, वो भी किसका, माइनस का। पी माइनस पाई इज माइनस पाई की क्यूब, थ्री माइनस पाई का स्क्वायर, थ्री माइनस पाई प्लस वन, माइनस की ओड पावर इज माइनस पाई की क्यूब, माइनस की इवन पावर इज प्लस पाई का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस वन, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, पाई की थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई पाई क्यूब ही होगा और पाई की टू टाइम्स मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर ही होगा, पर हमने क्या देखना है, माइनस की ई ओड पावर माइनस की वन पावर, बस क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन टू इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स के प्लस सिक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। में से आप x की वैल्यू निकालिए, वो कैसे निकलेगी, x को माइनस ए को हम इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। यहां से x की वैल्यू क्या आई हमारी a, ये x की वैल्यू a हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें हम x की जगह पर क्या पुट करेंगे a। जहां भी हमें a दिखेगा वहां हम क्या पुट करेंगे a। ठीक है, a की थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई इज a क्यूब, मल्टीप्लाई में हो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी एड, a स्क्वायर इंटू a वन इज a थ्री प्लस सिक्स a माइनस a इज फाइव a, आंसर इज 5a। ठीक है, आप लिखेंगे यहां ए एम इंटू ए एन इज ए एम प्लस एन, मल्टीप्लाई में थे ये दोनों, बेस सेम थे तो मैंने पावर ऐड कर दी, इसीलिए यहां a क्यूब बना 2, 1, 3। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड इज चेक वेदर दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टर का मीन्स जब मैं ये पुट करती हूँ एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ, तो हमारा आंसर अगर जीरो है तो उसका फैक्टर है, अगर जीरो नहीं आया तो उसका फैक्टर नहीं है, हमने चेक करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, थ्री एक्स इज माइनस सेवन, एक्स इज माइनस सेवन बाई थ्री, सेवन इधर प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का, थ्री यहाँ मल्टीप्लाई में था उधर जाएगा तो डिवाइड। ये x की वैल्यू हम गिवन पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल हमारा क्या है, यहां पुट कीजिए x की जगह माइनस सेवन बाई थ्री ऑफ क्यूब प्लस सेवन माइनस सेवन बाई थ्री, थ्री इंटू में माइनस ऑफ ओड पावर इज माइनस सेवन ऑफ क्यूब इज थ्री फोर थ्री, सेवन की थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई इज थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री,
3 of cube is 27 plus minus minus 7 into 7 is 49 by 3. 3 9s are 27. Minus 3 4 3 by 9 minus 4 9 by 3. Take LCM. LCM is 9 minus 3 4 3 minus 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा 3 की 49 से मल्टीप्लाई 3 9 जा 27 2 3 4 जा 12 और 2 14 दोनों माइनस में हैं तो क्या होंगे प्लस 7 और 3 10 4 और 4 8 और 1 10 3 और 1 4 by 9 तो ये इसका फैक्टर नहीं है ठीक है दिस इज नॉट फैक्टर नॉट ठीक है ये इसका फैक्टर नहीं है ये हमने बताना था क्या करना है x की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करनी है कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करनी है और कुछ नहीं है क्वेश्चनों में थैंक यू स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे